सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं उन पर आप शादी या अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। हाँ, आपको कॉल करनी है तो आप कॉल करिए कि आपको यहाँ आके विजिट करना है या किसी ज़रूरतमंद को यहाँ पर आके रहना है या आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो आप इस चीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं, मगर प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। तो आज आपके सामने एक महिला बैठी है, तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायका में आके रहना पड़ा। नमस्कार मैडम। नमस्ते। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ मैम कि आपको अपना पति, ससुराल, मायका सब छोड़कर यहाँ मायका नाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है? मैम, मेरी ना लव मैरिज थी, तो मेरे जो हस्बैंड थे उनका मतलब मेरे एक्सीडेंट में ना ये टांग थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने फिर मेरे को उनका फेयर चल गया बीच में किसी दूसरी लेडीज के संग, तो क्या नाम है, फिर उन्होंने उनके संग शादी कर ली। मतलब फेयर तो था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़े कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले ही उन्होंने उसके संग शादी कर ली। कि मैं थोड़ी चलने फिरने से वैसे परेशान हो गई थी टांग से, तो वो कहते थे कि तेरे संग में चलने में फिरने में मतलब बाहर जाने में थोड़ी शर्म लगती है, तो मैं उसके संग ही रहूँगा। उससे मैंने शादी कर ली है, और वो मेरी, मैं उनकी बिरादरी की, मेरी लव मैरिज है, तो वो उनकी मतलब बिरादरी की थी, उनकी तो उनके कास्ट की थी। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैं, मेरी शादी को 15 साल हो गए। तो उस 15 साल में आज तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ? लड़ाई मैम होती थी, तब मैं थोड़ी सही थी, मतलब टांग से परेशान नहीं थी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा मैं थोड़ा वैसे हो गई, तो उसमें उनका अफेयर चल गया, उनका मतलब मेरे से वो हट गया, जो प्यार मोहब्बत थी वो उनकी हट गई मेरी तरफ से। आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट में मैम ड्रिंक पीते थे बहुत ज़्यादा, तो एक दिन मैं स्कूटी से जा रहा था, तो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था उन्हीं के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ उनकी ड्रिंक करने की वजह से। हाँ जी। कौन से साल की बात है? मैम हो गए 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी। तो उस दो इन्हीं और आपके पति के अफेयर को कितने साल हो गए? अफेयर को 3 साल से अफेयर था, मतलब आपके एक्सीडेंट होने से पहले का अफेयर चल रहा है। तो आपको ये चीज़ कब पता चली? मैम पता चल गई, जैसे मैं थोड़ी फिर बिल्कुल रह गई टांग से, जितना कर नहीं पाती थी, तो फिर धीरे धीरे वो था, उनका ही शक तो था, पर फिर वो एकदम ओपन हो गए थे कि हाँ मेरा है, कि तू तो ऐसे हो गई, वो मेरी कास्ट की है तो मेरी कास्ट की भी नहीं है, तो तू तो ऐसे आई है वैसे आई है, मतलब ऐसे तो मैं ताने देते थे। मतलब जब आपकी, जब आपसे अफेयर चल रहा था, आपकी लव मैरिज है, तब उनको ये नहीं दिखाई दिया कि वो आपकी आप उनकी कास्ट की नहीं हो? नहीं, पहले तो मैम ठीक थे, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया ना मैम, उनकी वजह से हुआ था एक्सीडेंट भी, पर फिर उनका अफेयर होगा तभी मतलब ऐसे करने लग गया, पहले नहीं करते थे ऐसे, कि थोड़ा मैं परेशान हो गई थी, घर पर इतना देख नहीं पा रही थी इस वजह से। तो उन्होंने जो जो उनकी दूसरी है लेडी के साथ जो अफेयर चल रहा है, तो उनके साथ उन्होंने शादी कैसे करी है? मैम मतलब मंदिर में जाकर फेरे लगा लिए थे, मतलब फेरे ले लिए थे उनसे, उनके कास्ट की भी है वो, अब उनके संगे रह रहे हैं, हमें छोड़ दे बच्चों को भी और मुझे भी। तो आपको छोड़ दें इन द सेंस कि आपसे अलग होके रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे से अलग होके रह रहे हैं। अब वो कहता है कि मैं उसके लिए कमाऊंगा, उसको सब दूंगा, मतलब मेरे को कुछ नहीं दूंगा। तो आपके घर परिवार में सास ससुर नहीं है? घर परिवार में ना मेरे ससुर नहीं है, ना मेरे पापा है, मेरी सास वो अपनी लड़की के संग रहती हैं, और मेरी मम्मी जो है वो मेरी बहन के संग रहती हैं। तो आपके पति दो भाई बहन है या कितने भाई बहन है वो? मतलब मेरा भाई तो है क्या? नहीं, आपके पति के कितने? मेरे हस्बैंड 3 भाई थे, ये 2 तो मेरे देवर एक्सपायर हो गए हैं, और सब में बड़े यही थे। तो सास अभी आपके पति के साथ रह रही है? नहीं, वो अलग रह रहे हैं, वो उस लेडीज के संग ही रह रहे हैं अलग शादी करके। सास किसके साथ रहे? सास अपनी बेटी के संग रहती है। बेटी के साथ? जी हाँ। तो आपने सास को बताना नहीं सही समझा कि मेरे साथ ऐसा हो गया? मेरी सास भी उनसे मिली हुई है ना, क्योंकि मैं उनके कास्ट की नहीं हूँ। तो ये 15 सालों में उन्हें नहीं दिखा ये? मैं जब थोड़ी मैं टांग से परेशान होगी, इतना नहीं कर पाई, तब बस वही मेरी लाचारी का फायदा उठाया थोड़ा। तो उनके मतलब आपने ये चीज़ नहीं पूछनी समझी कि आपने पूछा नहीं कि मेरे अगर टांग खराब होने की वजह भी तो आप ही हो ना, आप ही तो ड्रिंक करके मेरा हमारा एक्सीडेंट। मैम इसी बात की रोज लड़ाई होते थे, वो अपना आगे किसी को सुनते नहीं हैं कि मुझे तुझे रखना नहीं है, मुझे तेरे से रहना है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे उसके संगे रहना, दूसरी लेडीज के संग। तो घर में काम ना करना का ये वजह था या सिर्फ आप पसंद नहीं आ रहे थे? आपके पसंद नहीं आ रहे थे मैम, मैम ये था कारण, कि पहले जितना मैं सब काम कर लेते थे उतना मैं कर नहीं पा रही थी, थोड़ा टांग की वजह से।
तो आप ये बोल, आपने ये नहीं बोला कि चलो मैं काम नहीं कर पा रही, तो आप एक मेड रख लो। फिर मैम इतने हमारे थोड़े वो नहीं थे, इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हेल्प नहीं है, तो आप चीज देख सकते हैं, मतलब हस्बैंड की ही वजह से आज इनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी आज टांग खराब है। हस्बैंड अगर ड्रिंक नहीं करते तो स्कूटी से एक्सीडेंट भी नहीं होता। हस्बैंड ने ड्रिंक करी, स्कूटी पे जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, बल्कि इनके हस्बैंड को इनका और साथ देना चाहिए था, बजाय दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने से और उससे शादी करने से। और आज 15 साल बाद जब इनके बच्चे हो गए, एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से इनको ये याद आ गया कि तू मेरी जात की नहीं है। तो फिर आपके मायके वालों ने आपका सपोर्ट नहीं किया इसमें? मैं तो कौन सपोर्ट करेगा, मतलब माता पिता की सहमति नहीं थी? ना ये ससुराल की रही, ना ये मायके की रही, पति ने दूसरी शादी करके अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहे हैं, और वो इलीगल शादी है क्योंकि पहली बीवी इनकी जीवित और डाइवोर्स हुआ नहीं है। तो आज आपको फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला, आपको मायका के बारे में कैसे पता? मैम को किसी ने बताया था, वीडियो देखे थे किसी ने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे एक भाभी लगती हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे मायका आश्रम है, वहाँ पे तुम चले जाओ बच्चों को लेकर। जब ही मैम यहाँ पे आई थी, तो आप यहाँ पे कब आए थे, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? 11 तारीख को आई थी यहाँ पे। 11 जुलाई को? हाँ जी, तो आपको अभी 1 महीना हो गया है, 11 जुलाई को आए थे हाँ ना? जी, अभी 1 महीना। आज 20 अगस्त है, तो ये आपको 1 महीना हो गया। तो आप बताना चाहोगे कि आपको मायका में कैसा लगा, और आपके बच्चे, आप अपने बच्चों के साथ आए हो क्या? आपसे यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ गए तो आपसे किसी भी तरीके का पैसे की डिमांड की नहीं गई, मैम, कोई पैसे की डिमांड नहीं की, किसी भी तरीके की नहीं, डिमांड नहीं, नहीं यहाँ की पे सब क्या फ्री, कहा? सब हेल्प करते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, मैम अच्छे से रखते हैं। तो क्या कहा गया जब आप यहाँ पे आए, आपसे कैसा बर्ताव रहा था सबका? मैम ये घर जैसा माहौल है यहाँ पे कि अच्छे से सब रहते हैं, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसे डर वाली बात भी नहीं है, सब ठीक है यहाँ। तो आपको सारी चीज़ें मिलती है टाइम पे, खाना पीना हाँ जी कपड़ा मैम, सब सब कुछ, सब टाइम पे मिलता है और मुझे। आपके बच्चों के लिए भी सब कुछ टाइम पे मिलता हाँ है? जी मैम, सब टाइम पे मिलता और सुना है कि बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, तो है। ऐसी ये बात हाँ सही है? जी मैम, इसीलिए तो मैम मैं आई हूँ यहाँ पे कि मेरे बच्चों को थोड़ा भविष्य बन जाएगा मैम, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल ध्यान नहीं देता था बच्चों पर भी, उस औरत के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो घर भर सब झुक गया था, बच्चे भी तो जो आप घर छोड़ के, वो किराए का घर था? मुझे। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से ये निकल कर आई है। शादी को 15 साल हो गए थे, एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से पति का माइंड कहीं और किसी औरत के साथ लग गया, और आज इनको ये बोला गया कि मेरा तेरे से मन भर गया है, तू मेरी जात की नहीं है, मुझे तेरे से तू पसंद नहीं है, और इनसे ढंग से काम नहीं हो पाता, इस वजह से इनको निकाल दिया गया घर से। और ये और आज इनका पति दूसरी बीवी के साथ आराम से रह रहा है, और उस आदमी ने अपने दोनों बच्चे का नहीं सोचा। बच्चे तो सिर्फ इन्हीं की नहीं है ना, उसके भी है, मगर नहीं चाहती, तो ये भी तो उसके अपने बच्चे छोड़ के आ सकती थी, मगर नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। ये अपने बच्चों के साथ मायके में आके रह रही है, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही आई है, जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरा तो भविष्य खराब हो ही गया, मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना चाहती, इसलिए मैं मायका में आके रह रही हूँ, जैसे कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी सोच को बदलिए, तब भी समाज बदलेगा। अगर एक ने पहल करी है ना, तो वो बहुत बड़ी पहल होगी। अगर एक ने देखा है ना, तो वो दूसरा आपको देख के अपनी सोच बदलेगा। तो इसी के साथ आप माइका के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार और साथ देते रहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जो भी महिला पीड़ित है या इस चीज़ से गुजर रही है, वो यहाँ आके रह सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाएंगे, जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अगर आने में प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, अविनाश भी आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।